आज हम यूज़ करने वाले R6 WC क्लीनर। ये R6 है और ये डस्टर है, सेम कलर का डस्टर यूज़ करने का, तो उसको हम यूज़ करके देखेंगे। R6 को, R6 खाली WC के लिए यूज़ होता है। R6 में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। रेडिटी यूज़ केमिकल है, उसमें पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। दूसरे केमिकल में पानी ज़्यादा है। R6 में और R4 में पानी नहीं चाहिए, दो केमिकल में। तो अभी इसको हम लोग यूज़ करेंगे WC में। केमिकल यूज़ करने से पहले ग्लव्स यूज़ करने के। ओके चलो, तो अभी स्टार्ट करेंगे। जो आप केमिकल डालते हो ना, वो राउंड में डालने के ऊपर से, तो चारों साइड में केमिकल अच्छे जाएगा। हाँ बस, अभी 10 मिनट के लिए रुकने गए, 10 मिनट के बाद ब्रश करने का है उसको। ओके 10 मिनट हो गए, तो अभी इसको ब्रश करेंगे। ब्रश को भी राउंड में घुमाने का है ऊपर, चारों साइड में। हाँ ऊपर से नीचे नीचे क्लीन करते जाने के, बाद में नीचे का बेस क्लीन कर देने के लास्ट। बस अभी उसको फ्लैश कर देने में, टैंक से फ्लैश कर देने में। बस अभी इसको डस्टर से वॉश कर देने। ये उसका डस्टर है, सेपरेट डस्टर आता है। WC का जो डस्टर है वो सेपरेट है, सिंक का सेपरेट है, बाथटब का, हर लिक्विड सेपरेट सेपरेट डस्टर है। WC को अच्छे क्लीन करने के बाद में जो पीछे भी क्लीन करने के, बस सही है, टैंक वगैरह क्लीन हो गया। R6 था आज, जो लिक्विड यूज किया R6 था, वो खाली WC के लिए यूज होते हैं।